एवरीवन, आज हम जेनेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, सो ये क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है. ओके, आई विल आल्सो पुट दिस क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो इस क्वेश्चन में गिवन है कि ब्लैक फर कलर जो है बी, ओके, जो रैबिट जिनका फर कलर ब्लैक है वो डोमिनेंट है वाइट फर कलर पे. जिस ओके, सो ब्लैक फर कलर के लिए जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल बी, कैपिटल बी. ओके, और वाइट फर कलर के लिए स्मॉल बी जीनोटाइप है. ओके, सो स्मॉल बी ये जीनोटाइप हो गया इसका. ओके, सो जब ब्लैक फर रैबिट को क्रॉस करते हैं वाइट फर रैबिट से, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका फर कलर ब्लैक मिलता है. ओके, सो अब जो हमें ब्लैक फर कलर वाले ऑफस्प्रिंग्स मिले, जब इनमें से हम दो ऑफस्प्रिंग्स को क्रॉस कराते हैं ब्लैक फर्ड ऑफस्प्रिंग्स को, तो ये 75% ब्लैक फर्ड रैबिट देते हैं और 25% हमें उसमें वाइट फर्ड रैबिट मिलते हैं. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस तीन पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, जिसमें फर्स्ट आता है कि जीनोटाइप क्या होगा पेरेंट रैबिट का इन फर्स्ट क्रॉस. ओके, सो जब हम क्रॉस करते हैं, जैसे कि जीनोटाइप हो गया कैपिटल बी कैपिटल बी, और वाइट फर के लिए स्मॉल बी हुआ. ओके, तो इनसे जो हमें जीन मिलता है, इससे मिलेगा कैपिटल बी ब्लैक के लिए और इससे मिलेगा स्मॉल बी. ओके, तो जब इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी ये है जीनोटाइप. ओके, ये जीनोटाइप जो है पेरेंट ऑफस्प्रिंग्स का हमें मिलेगा. ओके, सो सेकेंड जनरेशन के लिए जब हम सेकेंड टाइम हम क्रॉस कराते हैं, तो हम कराते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कराते हैं सेल्फिंग कैपिटल बी स्मॉल बी में, दोनों में. ओके, क्योंकि दोनों ऑफस्प्रिंग्स हमें यही मिले हैं. ओके, तो कैपिटल बी स्मॉल बी. ओके, ओके, सो लेट्स सी क्या रहता है. कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी. ओके, सो कैपिटल बी ब्लैक फर होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी भी ब्लैक फर होगा, ये भी ब्लैक फर होगा, एंड स्मॉल बी वाइट फर होगा. ओके, सो इससे हमें पता लगता है कि तीन टाइप के जीनोटाइप हमें इसमें मिलते हैं सेकंड क्रॉस में, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी. सो 75% जनरेशन जो है वो ब्लैक फर होगी एंड 25% जो होगी वो स्मॉल बी होगी. सो यही हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इन सेकंड क्रॉस. ओके, तो जीनोटाइप हमें उसके मिलते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के जीनोटाइप क्या है पेरेंट रैबिट के, वो है कैपिटल बी स्मॉल बी. ओके, थर्ड आता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी एलील इन एंड द स्मॉल बी एलील इन द पॉपुलेशन. ओके, सो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए एक प्रिंसिपल है, एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं हार्डी विनबर्ग इक्वेशन. ओके, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन. ओके, सो हमें अगर अलील की फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं. ओके, सो पी स्क्वायर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 75% ब्लैक फर्ड रैबिट है और 25% वाइट फर्ड रैबिट है. तो इसके अकॉर्डिंग 75% पी जो पी स्क्वायर है ये डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी शो करता है. ओके, मींस कैपिटल बी की. ओके, सो डोमिनेंट अलील यहाँ पे हमारा कैपिटल बी है, ब्लैक फर को शो करता है. ओके, और ये पता लगा है कि 75% मिला है ये, जब हमने क्रॉस कराया तो उसमें हमें 75% ब्लैक फर रैबिट मिलते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पी स्क्वायर करें, मींस 75% मींस 0.75. ओके, सो 0.75 का स्क्वायर रूट करना है इसमें हमें. ओके, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 0.0
8 6 6। ओके, सो पी की वैल्यू आती है 0.86। पी की वैल्यू मीन्स डोमिनेंट अलील की, मीन्स कैपिटल बी, कैपिटल बी अलील की फ्रीक्वेंसी आती है 0.866। ओके, अभी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक पॉपुलेशन जो होती है वो इक्विलिब्रियम में रहती है। ओके, कब तक? जब तक कोई सर्टेन फोर्स एक्ट ना करे, मींस उसमें म्यूटेशन ना हो जाए, सिलेक्शन माइग्रेशन या कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, तब तक क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन, बहुत आने वाली आगे की जनरेशन तक जो अलील्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। इसलिए इस बेस पे उस इक्वेशन में बोलता है कि पी प्लस क्यू इक्वल्स टू वन, क्योंकि पी प्लस क्यू जो होता है रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ टू अलील्स इन अ पॉपुलेशन। ओके, सो अगर हमें पी की वैल्यू पता लग जाए तो हम क्यू की वैल्यू यानी स्मॉल बी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिसेसिव अलील जो है यहाँ पे हमारा, उसकी फ्रिक्वेंसी पता लगा सकते हैं। तो हमने अभी फाइंड आउट किया है कि पी की वैल्यू 0.866 आई है, सो इससे हम क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.866। ओके, सो क्यू की वैल्यू यहाँ पे आती है 0.134, क्यू की वैल्यू मीन्स स्मॉल बी अलील की। ओके, सो हमें कैपिटल बी की मिल गई है, कैपिटल बी अलील की फ्रीक्वेंसी मिल गई है 0.866, एंड स्मॉल बी अलील की भी मिल गई है फ्रीक्वेंसी 0.134। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन और इसके आंसर्स। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।